मैंने आपको आश्वस्त कर दिया, प्लीज मैंने आश्वस्त कर दिया। हाँ क्या बोलना है? हाँ, हाउ कैन द मिनिस्टर इंस्टॉल फ्लाइंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थ्रेटन अस दैट द नूज अराउंड अस विल बी टाइटन्ड? हु इज ही? दिस इज द आंसर। व्हाट इज ही ब्लैकमेलिंग? ओके, मैं इसको देख लूंगा सर, उसको देख। क्वेश्चन नंबर टी बालू जी, थैंक यू सर। सर, हाउ मेनी कॉलेजेस इन इंडिया हैज स्टार्टेड विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर? द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉलेजेस फाउंडेशन लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉट टेकन ऑफ इवन फ्रॉम द फर्स्ट प्रेस? क्वेश्चन ओवर सर। आई सी मदुरई एम्स पे ऑलरेडी पहले चर्चा हो चुकी पिछले सदन में, मैं खुद गवाह हूं। मिनिस्टर हैज टू आंसर। माननीय अध्यक्ष महोदय, डोंट वरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई देता हूं। टी बालू जी, आई एम गिविंग रिप्लाई टू यू सर। लेट मी रिप्लाई टू सिटेड सर। आई सिटेड ऑल पर्टिनेंट क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस हैव बीन पुट बाय माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑल पर्टिनेंट। हाउ मेनी कॉलेजेस पेंडिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड? How many colleges have been started without infrastructure? That's one. Second question, how many colleges the Prime Minister of India has laid the foundation, not has started from the foundation, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हर मुद्दे पे हो सकता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ जिस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है, सवाल मदुराई एम्स का है, और ये स्टेट को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि मदुराई में एम्स नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुराई में ऑलरेडी एम्स हो गई है, वहां एम्स का एजुकेशन चालू हो गया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, एजुकेशन चालू हो गया है, वहां बच्चे पढ़ने लगे हैं। सवाल इतना है, पहले लैंड नहीं मिली थी? अध्यक्ष महोदय, समझने जैसा है, मैं ये सदन के द्वारा तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिना कारण से पॉलिटिकल मुद्दा बना के वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। नाउ एंड टुडे मेडिकल MBBS कोर्स इज ऑन गोइंग इन एम्स मदुराई। व्हाई आर यू गिविंग टू योर स्टेट, गिविंग टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन? मदुराई एजुकेशन चालू है, मदुराई में डायरेक्टर है, मदुराई में एम्स में स्टडी की जाती है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पहले टाइम पे लैंड अलॉट नहीं किया था। दूसरा, जायका फंडेड प्रोजेक्ट होने से दो साल तक वहां से जापान से लोग, जायका के लोग यहाँ विजिट नहीं कर पाए, और उसका एस्टिमेट डबल हो गया। जो पहले एम्स होनी थी उससे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए 1900 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, उसके लिए एजेंसी फिक्स की गई है, टेंडर होने की दिशा में आगे काम बढ़ रहा है। सारी चीज आपको पता है, सभी लोगों ने मुझे लेटर लिखा है, मैंने उसको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन राजनीति ही करना है, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम मोदी जी ने एम्स दिया है, और तमिलनाडु में मैं सदन को कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु में आज एम्स का एजुकेशन चालू है, वहाँ स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया 1-2। और फिर पॉलिटिक्स करते रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इट्स नॉट गुड, इट्स अ पॉलिटिक्स। आपके यहाँ एजुकेशन चालू है कि नहीं? और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई लोगों को पीड़ा ये है, कई लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज में कम फैकल्टी, कम पेशेंट से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। मैंने एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन आ रहा है, ऐसे मेडिकल कॉलेज में नहीं चलने दूंगा। जिस मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज में पेशेंट ना हो, ऐसी मेडिकल कॉलेज पर मैंने चकंजा कसा है, उसका रिएक्शन है और कुछ नहीं है, नहीं चलेंगे मोदी गवर्नमेंट में। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये डिसीजिव गवर्नमेंट है, वायदा का व्यापार नहीं करती है। वहाँ जिस तरह से मदुरई एम्स का काम चालू होना है, आप सहयोग करिए, आपके स्टेट में अच्छी मेडिकल, अच्छी एम्स बन रही है, 1,900 करोड़ रुपए के खर्च पर बह रही है, उसका करो।
चलता है। चलो चलो अपनी बॉडी स्पीकर सर पुलिस से बात करो, स्पीकर सर उधर करके बात करो, सर उधर करके बात करो, एक्शन तो होगा, उधर करके बात करो। जो मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चलाएंगे उसके सामने एक्शन होगा। मैं व्यवस्था देता हूं अभिराज, मैं व्यवस्था देता हूं अभिराजे, मैं व्यवस्था दे रहा हूं अभिराजे, मैं आप व्यवस्था अभिराजे में आप बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज प्लीज, ओके ओके प्लीज प्लीज, ओके ओके मिस्टर बालू जी, मिस्टर बालू जी, यस यस, ओके ओके एक मिनट प्लीज। ओके एक मिनट, एक मिनट, ओके मैं एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं ना, आप व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने दो बात कही है कि ऐसे कोई भी मेडिकल कॉलेज जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे उनको मैं चलने दूंगा, ये बात सही है, इन्हें भी चलना चाहिए देश के अंदर। नहीं नहीं एक एक मिनट बालू जी, मैंने आपको बुलाता हूं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, ऐसे नहीं, अगर कोई आपके लिए नहीं पूरे देश के अंदर, उन्होंने कहा है कि ऐसे मेडिकल कॉलेज जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, फैकल्टी नहीं हो, उनको नहीं चलने देंगे। एक उन्होंने जनरल बात कही, जनरल बात की जो होना भी चाहिए। दूसरा विषय जो उन्होंने कहा है उसको मैं देख लूंगा, उन्होंने जो दूसरा विषय, हाँ उसको मैं देख लूंगा, वह विषय मैं देख लूंगा, वह विषय मैं देख लूंगा, वह विषय मैं देख लूंगा, प्लीज मैंने कह दिया वो विषय देख लूंगा, मैं रिकॉर्ड में देख लूंगा, उस विषय को रिकॉर्ड में देख लूंगा। कोई भी आरोप सदन में नहीं लगाए ऐसी व्यवस्था मैं कर दूंगा, प्लीज आलोचना हो सकती है, आरोप नहीं लग देंगे, बैठ जाइए, ठीक है ना, मैं देख लूंगा ना व्यवस्था। मैंने आपको आश्वस्त कर दिया है, मैंने आपको आश्वस्त कर दिया, प्लीज मैंने आश्वस्त कर दिया। हाँ क्या बोलना, हाँ हाउ कैन द मिनिस्टर इंस्टॉल ब्लाइंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थ्रेटन अस दैट द नूज अराउंड अस विल बी टाइटन, हु इज ही दिस इज द आंसर फॉर व्हाट इज ही ब्लैकमेलिंग। ओके मैं इसको देख लूंगा सर, उसको देख। क्वेश्चन नंबर,